दादा हमारे के जान नाम मत लीजिए, जाएगा जी जी देखो अपना अपना घर अब एक होएगा अपना घर, दूसरा की नज़र पड़ोसी में जानो ना, कोई दूसरा की नज़र लगी जाए देखा अपना घर रहे कदे जानो नहीं अपन ना। माए एक कटोरी शक्कर दीजो, आई जा बस शक्कर खत्म हुई गई, क्योंकि तुम तो मारो मुँह मीठा कराना का नहीं, मैं तुम्हारे से ही लेना मारो मुँह मीठा करी, तुमको पता चलियो कत जल्दी क्यों नहीं पता चल, मगर पूरा गांव की खबर है, माँ आशा छे तो तू आ माँ तुमको पता चले चलो, पर आप आपको ऐसे कही मत बात ऐसी क्यों नहीं, जब चाकन बच्चा के नजर लगी जाए ऐसी बात करी ना माँ, ऐसी कई बात कही छुपा कही बात तो सबका पता चली जाए बाद में भी, बहुत मन्नत न सी मैं वो खा लेकर हुई तो कहीं मतलब कही ना कोई मन कितनी मान न मानी ना जब तो लेकर हुई, फिर भी ये दिल से बहम हटा ही दियो, ये सब कहना की बात छे आजकल ऐसा नहीं होता। मैं एकालेन बोली रही थी कि हैनी जैसे शुरुआत पहले अपना का पता चले नहीं तो कहनी खान पान पोषण आहार है मैं सब ध्यान देना पड़ा, क्योंकि है ना ओका सी माए भी स्वस्थ रहे और बच्चों भी स्वस्थ रहे एकागड़ी। बात तो सारी सही छे, पर हम गई थी कल पंचन कराने जीजी अस्पताल में नहीं पानी पानी आने लगी गयो तो मैं वापस आई गई हूँ, अब जीजी मन बुलाई थी हाँ। तो जीजी घर आता जाएगा अभी। अच्छा चलो ये काम तो तुमने अच्छे करे हाँ। है नहीं हाँ। जीजी आवना के कही थी उन्हें क्या आवागा अभी तो आता ही होगा। अम्मा नमस्ते, आई जाओ जीजी आई जाओ। नमस्ते दीदी। नमस्ते देखो उनकी बात कर रहे आ ही गया हाँ, अभी तुम्हारी बात कर ही रहा था हाँ। चल रही उनकी कहा है लाड़ी भाई अम्मा अंदर कैसी है अच्छी देखो सुबह से कही रही उल्टी उल्टी जो करो जी मछली रहे तो को मैंने सुबह रात की रोटी थी और चाय के साथ रोटी दे दी थी अभी वो। अम्मा गर्भवती महिला को हमेशा ताजा पौष्टिक अच्छा। आहार खिलाना चाहिए, संपूर्ण आहार खिलाना चाहिए हाँ। जिससे उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है हाँ। उससे उसी को उसका आहार मिलता है हाँ। और उससे ही वो बढ़ता है हाँ। वो बात तो सही थे, संपूर्ण आहार का जो भोजन अपन सुबह शाम दिन में खाते हैं हाँ। वही संपूर्ण भोजन है हाँ। जैसे दाल चावल सब्जी रोटी दही गुड़ काले चने ये सब खिलाना चाहिए गर्भवती महिला। क्या अम्मा तुम्हारा घर में मांसाहारी चीज भी बनती होगी नहीं हाँ। जैसा कि अंडा मछली मटन ये भी तुम्हारी बहू को खिला जो ये मैं भी बहुत पौष्टिक आहार है खिलाना चाहिए जी हाँ। लता ओ लता आई तो चले जीजी कितने से बात में बता रहे हैं देख जरा सुन जरा पहले जीजी शक्कर रही था जीजी दिन में कितने बार भोजन करना चाहिए भाभी दिन में 4-5 बार भोजन करना चाहिए जो आपके कोख में शिशु पल रहा है उसकी वृद्धि के लिए पौष्टिक आहार 1.5 गुना ज्यादा खाना चाहिए जिससे आपके बच्चे का अच्छी तरह से विकास हो सके और आप भी अच्छे रहें जी। तुमको घर की स्थिति मालूम छे हमें तो महंगो होने को पौष्टिक आहार है तो कहाँ से लावा हमारे घर कितनी गरीबी छे कितनी स्थिति देख रही तुमका हालात देख रहा कितना घर भाभी आपको किसने बता दिया कि पौष्टिक आहार महंगा होता है गा? मैं आपको बताती हूँ कि पौष्टिक आहार कैसा बनाया जाता है। कल यही सब्जियाँ लेके आया अम्मा हाँ, कल गई थी हाँ। मन कहे कि नहीं चला हफ्ता की पूरी सब्जी ना अच्छा। 8 दिन पूरा का तो सरी हाँ ठीक है। ये देखिए आपने ये पालक लाई है हाँ। इससे आयरन मिलता है ये हरी धनिया है हाँ। और ये गिलकी गिलकी की बेला तो मैंने आपके घर लगी हुई देखी है। हमारा घर है नी जाम को झाड़ भी है तो जाम लिया नू ओके है खट्टी मिट्टी चटनी बना नू वो भी खवा नू दीदी मेरा जीव तो खूब मस रहा उल्टी उल्टी कर रहा है मैं सास तो खूब खिलावत पर मैं खाने को मन नहीं होता। तुम दिन भर भी थोड़ा थोड़ा भोजन खाकर भोजन की आवश्यकता पूरी कर सकती है। वो कसो दीदी दूध पराठा ले सकते है हलवा खा सकते है पोहा खा सकते है जो अपने घर में दलिया हो मीठा दलिया भी बना के खा सकते है फिर दोपहर में 3-4 रोटी खा सकते हैं दही दाल चावल सब्जी हरी और अगर मौसमी फल हो अपने यहाँ जो मिलता हो जैसे केला है जाम है ये भी खा सकते हो और फिर वही 4 बजे आप मूंगफली है काले चने हैं थोड़ा 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 भोजन खा सकते हैंगे और इसी प्रकार रात में आप ये भोजन लें दाल चावल रोटी 2-3 रोटी ले लिए थोड़ा चावल ले लिए थोड़ा दही ले लिए है ना सब्जी जो सब्जी अपने घर में हो जो अपने सासू माँ ने लेके आई है वो सब्जी अपन खा सकते हैं
टमाटर बीच में खा लो आप, जो मूली है, टमाटर है, सलाद है, ये भी आप कर थोड़ा कच्चा भी खा सकते हो। ये दिन भर में इतना भोजन? हाँ भाभी, इतना भोजन दिया कोई इसका कि ज़्यादा भोजन खिलाना से बच्चों खुली जात पेट में ऑपरेशन कराना पड़ा, ऐसा तो नहीं हो? अगर गर्भवती महिला पूर्ण आहार नहीं लेगी तो उसका बच्चा कमजोर हो सकता है, कमजोर होने के कारण उसकी मृत्यु भी हो सकती है। ऐसा ना हो इसके लिए उसको संपूर्ण आहार करना पड़ेगा, भरपूर आहार करना पड़ेगा, और नहीं तो बच्चा जिंदगी भर कमजोर है। अपने जीजी ऐसे भी ऐसा बाजारू? हाँ अब तो पता चल गया ना। तो बस तो आप बाजार जाऊंगा नहीं हो तो मैं वो कलिया तो लाऊंगा, समोसा, जलेबी, कचौरी, कहीं भी बाजार से कलिया लाऊंगा। अब घर में जो जो भोजन है अपने यहाँ, जैसे घी है, तेल है, दूध है, काले चने है, गुड़ है, ये खिलाना है। हाँ ये तो सब चीज खिलाएंगा, ये तो हम सब बाहर का तला गला बिल्कुल ये भोजन नहीं खिलाना है, घर का ताजा भोजन खिलाना। हाँ। अंकुरित दालें हैं, दालें भी खिला सकती है, घी, तेल, दूध, गुड़, तिल्ली और चना, मूंगफली, ये आप दिन भर में कुछ भी ये खिला सकती है। हाँ। ये सबको तो ठीक है, पर गर्भवती महिला का अगर कभी नई पौष्टिक आहार मिले, संपूर्ण आहार मिले तो क्या ही होगा? फिर भरपूर आहार नहीं मिलने से गर्भवती महिला को कमजोर हो सकती है। हाँ। खून की कमी हो सकती है, उसके पैरों में सूजन आ सकती है और बच्चा कमजोर पैदा कर। खून की कमी थे तो ये पूरी करने के लिए क्या करना चाहिए? खून की कमी को पूरा करने के लिए आयरन फोलिक एसिड की गोली 100 दिन तक का रोज एक खाना है, कढ़ाई में बना हुआ भोजन खाना है, लोहे की कढ़ाई में, और उसके साथ है खजूर खा सकते हो, किशमिश खा सकते हो, गुड़ खा सकते हो, काले चने ले सकते हो, मुरमुरा हैगा ये सब, और अंकुरित दाने की दालें भी खा सकते हैं आप। तो ये सब भोजन खाने से आपकी खून की कमी पूर्ण हो। हाँ, समय समय पर गोलाई भी खाऊंगा तो समय समय पर भोजन भी करूँगा। ठीक है, जेवन कितने सी बात में बताई ना, जब सब चाय बने लार। अम्मा एक बात का ध्यान देना, भोजन के एक घंटा पहले और एक घंटा बाद बहू को चाय नहीं पिलाना है। ऐसा क्या जी, चाय तो अच्छी रचका ही, चाय पिलाना में, चाय पिलाना में कोई बात नहीं है, लेकिन जो भोजन में आयरन मिलता है वो आयरन नहीं मिल पाता है गर्भवती महिला को। के केलो खाने से ठंडे हो? कोई भी खाना ठंडा या गर्म नहीं होता तासीर पे, बस इतना होना चाहिए कि ताजा, शुद्ध और साफ सफाई का ध्यान देना चाहिए, ऐसा भोजन करना चाहिए। जी तुमने बहुत अच्छी बात बताई, मैं मन में बहुत घबराहट थी, अब ध्यान दूंगा पूरी खाना पीना होगा, भोजन पर बहुत ध्यान दूंगा। चलो अब तो तुम्हारा दिल को बड़ा माटी करो नहीं। हाँ। अब ये लोग मुँह मीठा करो और बहू को ध्यान दो। अच्छा ले, आप भी ले। अपनावना वाला बिंदु। गर्भवती महिला का पेट में पलना वाला बालक का माँ का खाना से ज खुराक मिलज, जी माँ खावज उज बालक की खुराक छे। गर्भवती महिला को दिन भर के लिए भोजन, सुबह नाश्ता जिमा एक गिलास दूध, पराठा, पोहा या दलिया। दोपहर खाना में 3 रोटी, दाल न हरी सब्जी। शाम का नाश्ता में पराठा या पोहा न रात का खाना में 3 रोटी, दाल न हरी सब्जी। एक अलावा दिन भर में कभी भी एक मौसमी फल और एक मुट्ठी भुनेल चना या भुनेल मूंगफली खानू चाहिए। गर्भवती महिला का सामान्य सी एक बार अधिक भोजन करना चाहिए। खून की कमी का दूर करना का लेन गर्भावस्था का दौरान कम से कम 100 दिन तक आयरन फोलिक एसिड की एक गोड़े हर रोज जरूर लेनु चाहिए। गर्भवती महिला का भोजन करना का एक घंटा पहला न एक घंटा बाद चाय नहीं पीनु चाहिए।